हेलो फ्रेंड्स, वायरल वीक में आप सभी का स्वागत है। मैं विवेक कुमार आज आपको सीएससी से जुड़ी एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट देने वाला हूं। इनफैक्ट ये एक नहीं दो अपडेट्स है जो कि आपके लिए बहुत ज़रूरी है और आपको ये जानना ही चाहिए। रीज़न क्या है इसकी वजह से, अगर इन दो अपडेट्स को आप फुलफ़िल नहीं करते हैं, आप इसके अकॉर्डिंग काम नहीं करते हैं, देन हो सकता है इन फ्यूचर आपका सीएससी आईडी ब्लॉक कर दिया जाए, या फिर जो सीएससी की बेहतरीन सर्विसेज हैं जैसे कि डिजिटल विलेज प्रोग्राम वगैरह है उनमें आपको चांस ही ना मिले। और डिजिटल विलेज एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें आप बहुत पैसे कमा सकते हैं, बहुत पैसे कमाने के साथ साथ ही आपको ऐसी सर्विसेज मिलती है इतने कम लेवल पे, इतने कम चार्जेस पे कि आप उसे एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। नॉर्मल आपने देखा होगा कहीं आप कंप्यूटर सेंटर पे कंप्यूटर कोर्स अगर आपने कभी किया होगा तो आपने देखा होगा 6,000 रुपये की फ़ीस होती है, ठीक है। लेकिन एक बार आपको अगर डिजिटल विलेज प्रोग्राम में इनरोल हो जाते हैं, आपको मिल जाता है, तो सबसे बड़ा फ़ायदा तो आपको लैपटॉप, प्रिंटर, प्रोजेक्टर, डिज़ाइन करने के लिए एक्सपेंसेस, ये सारी चीज़ें आपको मिलते हैं सीएससी के द्वारा। यानी कि ऑलमोस्ट 3 से 4 लाख रुपए का सामान बिल्कुल फ्री, मतलब 1 रुपया आपको नहीं देना है उसमें और ना ही उसे आपको रिफ़ंड करना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें तो हैं ही, उसके अलावा आपको कंप्यूटर के बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, BCC होता है, CCC होता है, EEE होता है, यानी कि जितने भी कंप्यूटर के हाई लेवल, लो लेवल, मीडियम लेवल कोर्सेज हैं, मतलब बिगनर से लेके एडवांस लेवल तक के, टैली हो गया, टैली ERP हो गया, ये सारी कोर्सेज आपको इतने कम रेट पे मिलते हैं कि आप अपना प्रॉपर एक कंप्यूटर सेंटर सेटअप करके इससे पैसे कमा सकते हैं। प्लस आपको किसी टीचर की वो भी रखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये सारी लर्निंग्स डिजिटल मोड में होती है और डिजिटल मोड में इतने अच्छे तरीके से समझाया जाता है कि बच्चे समझते भी है इस चीज़ को। इसके अलावा फीस जो होती है वो बहुत कम होता है जिससे आपका मार्जिन बढ़ जाता है। आप जो कोर्स बाहर 6,000, 7,000, 8,000 रुपये में बिक रहा है वो कोर्स आप सिंपली अगर 3,000, 4,000 में भी बेचते हैं और बच्चों को पढ़ाते हैं, वहाँ पे गाइड करते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है। इसके अलावा आपको NIELTS का सेंटर मिलता है, IIBF का सेंटर मिल जाता है, यानी कि IIBF का जो बैंकिंग एग्ज़ाम होता है वो आप अपने सेंटर पे करा सकते हैं अगर आप डिजिटल विलेज प्रोग्राम में इनरोल हो जाते हैं। तो मैंने आपको पूरा प्रोसेस पहले ही बता दिया था एक वीडियो में कि कैसे आपको इसमें इनरोल करना है और कैसे क्या करना है। एक बार और मैं बताता हूँ, इसमें इनरोलमेंट आप खुद कभी नहीं कर पाइएगा और सलेक्शन जो है वो DM के पैरवी के थ्रू भी नहीं होने वाला है। इसमें अगर आपको सलेक्शन चाहिए तो दो चीज़ें हैं, अपने डिजिटल सेवा पोर्टल से ज़्यादा ट्रांजेक्शन कीजिए, जितना ज़्यादा ट्रांजेक्शन आपका होगा उतना ज़्यादा चांसेस है कि आपका सिलेक्शन डिजिटल विलेज प्रोग्राम में हो जाए। लेकिन हाँ, डिजिटल विलेज प्रोग्राम में सिलेक्शन तभी होगा जब आप इसके लिए इनरोल होंगे, और इनरोल कैसे होंगे तो आपको अपने DM से कॉन्टैक्ट करना होगा, DM आपका सारा डिटेल आगे फॉरवर्ड करेंगे, तो ही जाके आपका इनरोलमेंट इस प्रोग्राम में हो पाएगा और चांसेस बनेंगे कि हाँ आपका सिलेक्शन हो सकता है, ठीक है। अब चलिए मैं बात करता हूँ CSC की कुछ मैंडेटरी सर्विसेज के बारे में, जिसको आप करते हैं तो आपके चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। क्योंकि पिछले वीडियो में बहुत लोगों ने पूछा था कि सर किस तरह के ट्रांजेक्शन करना है, क्या करना है, प्लीज़ बताइए, तो मैंने सोचा इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो मैं बना देता हूँ। तो मैंने लिस्ट देख लीजिए, लिस्ट आया हुआ है, ये प्रॉपर है, आप देख सकते हैं। सबसे पहला तो आपके पास IRCTC रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, और सिर्फ रजिस्ट्रेशन नहीं, उसे टिकट बुकिंग भी होना चाहिए। दूसरा है आपका RAP रजिस्ट्रेशन एंड सर्टिफिकेट, यानी कि RAP का जो रजिस्ट्रेशन होता है, इसमें ये मैंडेटरी नहीं है कि आप RAP का ही रजिस्ट्रेशन कीजिए, आप VLE INS का भी एग्ज़ाम देके उसको पास करके इंश्योरेंस का काम चालू कर सकते हैं, वो वैलिड होगा, ठीक है। और इसमें आपका इंश्योरेंस पॉलिसीज होनी चाहिए आपके डिजिटल सेवा पोर्टल से, ऐसा नहीं है कि आपने सर्टिफिकेशन ले लिया, रजिस्ट्रेशन कर लिया लेकिन कोई पॉलिसीज नहीं कर रहे तो फिर कोई मतलब का नहीं है। उसके बाद आपका पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट मैंडेटरी होता है, जो कि आपको अपने बैंकिंग मित्र पोर्टल पे अपलोड करना होगा, इसे आप ऐसे नहीं छोड़ सकते। PMG दिशा में कम से कम 25 स्टूडेंट का सर्टिफिकेशन होना चाहिए, तो ये नॉर्मल है, इसके बारे में मैंने बताया भी था। जो नए VLEs हैं प्लीज़ मेरा प्रीवियस वीडियो देख लीजिएगा, मैंने कल या परसों ही बनाया वीडियो, उसमें मैंने बताया कि नए VLEs कैसे PMG दिशा का सेंटर ले सकते हैं। ऑलमोस्ट उस पर 500 से 600 व्यूज़ जा चुके हैं, तो बहुत सारे लोग उसे देख चुके हैं, आप भी जाके देखिए आपको समझ में आ जाएगा। इंश्योरेंस, तो इंश्योरेंस में देख लीजिए कंडीशन क्या है कि मिनिमम 1 लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस रजिस्ट्रेशन पर मंथ, यानी प्रत्येक महीने में कम से कम आपको 1 लाइफ इंश्योरेंस या 1 हेल्थ इंश्योरेंस करना ही करना है, और प्रत्येक महीने 1 लाइफ इंश्योरेंस या 1 जनरल इंश्योरेंस रिन्यूअल करना ही करना है, तो आपका डिजिटल सेवा पोर्टल में एक्टिविटी दिखेगा और ये आपका नोटिस किया जाएगा वहाँ पे भी, सॉरी CSC के हायर टीम के द्वारा भी। अब जनरल इंश्योरेंस क्या होता है, जनरल इंश्योरेंस में आपके जितने भी व्हीकल टाइप के इंश्योरेंस हैं, फायर इंश्योरेंस है, वो सारी चीज़ें जनरल इंश्योरेंस के अंतर्गत आ जाती है, और लाइफ इंश्योरेंस के अंतर्गत आपका जो भी बीमा पॉलिसीज होती है, इन्वेस्टमेंट प्लान्स वगैरह,
ठीक है, वो सारी आपकी लाइफ इंश्योरेंस के अंतर्गत आती है। छठा जो सर्विस है इम्पॉर्टेंट, वो है एग्रीकल्चर सर्विसेज, जिसमें आपको KVK साइंटिस्ट के द्वारा किसानों को सलाह दिलवानी है उनकी किसी भी प्रॉब्लम से रिलेटेड। हॉर्टिकल्चर सेक्टर में आपको किसान ई मार्ट और इफ़को की सर्विसेज को यूज़ करना है, यानी कि इफ़को का जो खाद आता है या इफ़को के फार्मर इक्विपमेंट्स आते हैं उनको आपको सेल करना है। किसान ई मार्ट पर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का रजिस्ट्रेशन कराइए, कोई पैसा नहीं लगता है इसमें, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। किसान ई मार्ट के ऊपर मैं जल्द ही वीडियो लेके आने वाला हूँ, होपफुली हो सकता है कि आज इवनिंग तक ही आ जाए। सातवां जो वर्क है आपके लिए वो ई स्टोर रजिस्ट्रेशन एंड ऑर्डर प्लेसमेंट है। ई स्टोर पे आप एक्टिव रहिए, धड़ाधड़ ऑर्डर मारिए और अपने आसपास जितने भी लोग हैं सबसे ई स्टोर का ऐप डाउनलोड करवाइए, उनको बोलिए कि आप इससे ऑर्डर कीजिए, मैं आपको सामान होम डिलीवरी करके दूंगा। ये भी एक बहुत ही ज़बरदस्त सर्विस है, इसमें आप इनफैक्ट अपना एक स्टोर सेटअप कर सकते हैं, अपना दुकान सेटअप कर सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से, और बहुत बेहतरीन चांसेस हैं कि लोगों को एक बार जब आदत लग जाएगी तो वो दोबारा दोबारा इस चीज़ को ऑर्डर करेंगे एंड आपके पास आपकी स्टोर ऐप के द्वारा ऑर्डर करेंगे, और जितने लोग आपके स्टोर पे ऑर्डर करेंगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल है। स्टोर पे भी मैं एक डेडिकेटेड वीडियो लाने वाला हूँ। CSE की जितनी भी इंपॉर्टेंट सर्विसेज हैं जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ, इस कुछ सर्विसेज में मेरी वीडियो ऑलरेडी आ चुकी है, जिस पे नहीं आई है उस पे बहुत जल्दी मैं वीडियो लेके आ जाऊँगा, ठीक है। तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिए, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है आपको। आठवां सर्विस है DGPay। DGPay से आपको महीने में कम से कम 10 ट्रांजेक्शन करने हैं हर महीने। NPS रजिस्ट्रेशन नौवां सर्विस है, जो मैंने कल ही वीडियो बनाया था, पूरा प्रोसेस मैंने बताया था, डेमो मैंने नहीं बताया था, डेमो आप लोगों ने पूछा भी नहीं और मैंने आपसे पूछा भी था कि अगर आपको डेमो चाहिए तो कमेंट करके बताइए, तो प्लीज़ आप कमेंट करके मुझे बताइएगा अगर NPS रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाता, पूरा डेमो चाहिए आपको, मैं पूरा डेमो आपको करके बताऊँगा। और NPS रजिस्ट्रेशन कम से कम महीने में एक तो होना ही चाहिए, जो भी BCVLEs हैं चाहे वो किसी भी BC पॉइंट से हो, ICICI हो, एक्सिस हो, पंजाब हो, SBI हो, ठीक है, तो जितने भी BCVLEs हैं उनको कम से कम महीने में 50 ट्रांजेक्शन करना ही करना है, ठीक है, यानी ऑन एवरेज मान के चलिए हर दिन आपको 2 ट्रांजेक्शन करना रहेगा। BCVLEs का जो भी वो चाहे जो भी BC यूज़ कर रहे हैं CSE के द्वारा। इसके अलावा 11वां सर्विस है SBI BCVLEs जो हैं, यानी जिनको CSE के द्वारा स्टेट बैंक का BC पॉइंट मिला है, CSP मिला है, उनको अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, ये 3 सर्विसेज मैंडेटरली करना है, ठीक है, इसमें कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। तो ये जो मेजर सर्विसेज थी 10-11, ये आपके CSE सेंटर पे होना ही चाहिए। अगर आप ये सर्विसेज करते हैं तो चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं कि आपको डिजिटल विलेज प्रोग्राम में सेलेक्शन होने के चांसेस हैं एंड आपको सारे इक्विपमेंट्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। मैं एक सेपरेट वीडियो लाऊंगा डिजिटल विलेज प्रोग्राम से रिलेटेड, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि डिजिटल विलेज प्रोग्राम में क्या क्या चीज़ें आपको मिलती हैं और क्या क्या बेनिफिट्स हैं, क्या कमीशन है और कितना ज़्यादा आप स्कोप है डिजिटल विलेज प्रोग्राम में इनरोल करने के बाद। तो उसके लिए मैं एक बिल्कुल सेपरेट डेडिकेटेड वीडियो 8-10 मिनट का, जिसमें सब कुछ होगा, मैं बहुत जल्द लेके आऊँगा। तो ये चीज़ें आप करना स्टार्ट कीजिए जो सर्विसेज मैंने अभी आपको बताई हैं, और अपने DM से बात करके डिजिटल विलेज प्रोग्राम में एनरोल हो जाइए, आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। तो आज की वीडियो में इतना ही, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।